हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोमल अपनी माँ रजनी के साथ रहा करती थी। कोमल एक सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की थी। उसने ही अपने घर की जिम्मेदारियों को संभाला हुआ था। कोमल की शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन अब तक कोमल ने शादी नहीं की थी। अगर उसके लिए कोई रिश्ता आता भी था तो वो उस रिश्ते के लिए साफ मना कर देती। वो कहीं शादी नहीं कर रही थी, बस इसी चिंता में रजनी रहा करती। ऐसे ही एक रात कोमल अपने हॉस्पिटल से घर आती है। हॉस्पिटल से आने के बाद कोमल फ्रेश होकर अपनी माँ के पास बैठ जाती है, जिसके बाद, कोमल अब तू शादी क्यों नहीं कर लेती? तेरी उम्र बढ़ती जा रही है और साथ ही समय के साथ मैं भी ढलती जा रही हूँ। माँ, मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि आपको पता है ना कि मुझे लड़कों पर विश्वास ही नहीं है। पर बेटा, हर आदमी तेरे बाप जैसा थोड़ी ना होता है। बहुत लोग होते हैं जो साथ निभाना जानते हैं, और क्या पता जिससे तेरी शादी हो वो तुझे अपने पलकों पर बिठा कर रखे। माँ, उसकी पलकें मेरा भार नहीं उठा पाएंगी। और हाँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, तो अब प्लीज शादी का नाम भी मत लेना। कोमल की बात सुनकर रजनी शांत हो जाती है, जिसके बाद कोमल अपनी माँ के साथ खाना खाकर अपने कमरे में सो जाती है। समय गुजरता है और समय के साथ कोमल अपनी लाइफ में और ज्यादा बिजी रहने लगती है। ऐसे ही एक रात कोमल को घर आने में देरी हो जाती है। वो घर आ ही रही थी कि तभी उसके पीछे दो गुंडे पड़ जाते हैं। भाई, देख रहा है तू कितनी सुंदर लग रही है, ये मन तो कर रहा है इसको पकड़ लूं। हाँ भाई, सच में क्या माल है, कितनी चिकनी है ये। वैसे तो बिल्कुल सही बोल रहा है, पर ये चिकना माल जितना चिकना दिख रहा है, क्या सच में इतना चिकना होगा? भाई, इसको जब चखेंगे तभी तो बता सकते हैं, बिना चखे इसको कैसे बता देंगे। वो दोनों आपस में बात करने के बाद कोमल का पीछा करने लगते हैं। कोमल भी अब अपने चलने की स्पीड को बढ़ा देती है, पर उसकी स्पीड के साथ वो गुंडे भी तेज चलने लगते हैं। और एक बार फिर, होट रसीले दिल करता है तेरा ये रस पीले। उस गुंडे का गाना सुनकर दूसरा गुंडा उससे कहता है, अबे गाना ऐसे थोड़ी ना होता है, ये गाना तू गलत गा रहा है हमारी पंखुड़ी के लिए। अच्छा, फिर ये गाना कैसे होता है? रुक, मैं तुझे गाकर बताता हूँ। पंखुड़ियाँ ये गुलाब की सी हैं, मस्तियाँ ये शराब की सी हैं, लोग तेरी अदा पे मरते हैं, जान तुझ पे निसार करते हैं। वो दोनों कोमल को छेड़ ही रहे थे कि तभी विशाल नाम का लड़का वहाँ आता है, जहाँ वो उन गुंडों को उस लड़की का पीछा करते हुए देखकर उन गुंडों के पास जाता है और उनको रोकते हुए कहता है, हाँ भाई, क्यों छेड़ रहा है तू मैडम को? क्यों, ये तेरी लुगाई है क्या जो तुझे इतनी मिर्ची लग रही है? उसकी आवाज सुनकर विशाल को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद विशाल अब उन लड़कों से लड़ाई करने लगता है। जहाँ एक तरफ विशाल उन लड़कों से लड़ाई कर रहा था, तो वहीं कोमल उसको लड़ाई करता देखकर खुद से बोलती है, हे भगवान, ये लड़का तो बिना जान पहचान के ही मेरी मदद करने के लिए आ गया। आज के जमाने में कोई किसी की इतनी मदद क्यों करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं ये लड़का भी इससे मिला हो? जो भी हो, मुझे अभी यहाँ से अपनी जान बचाकर भागना होगा। कोमल अब विशाल को उसके हालातों पर छोड़कर वहाँ से चली जाती है, तो वहीं विशाल उन गुंडों के बीच अकेला पड़ जाता है। वो गुंडे ही विशाल की पिटाई करके अब वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद अब विशाल घायल होकर अपने घर आता है, जहाँ उसका दोस्त उसको ऐसे घायल देखकर उससे कहता है, विशाल, तुझे क्या हुआ, तू इस तरह से घायल कैसे हो गया? बस क्या ही बोलूं अब मैं तुझे, एक लड़की को बचाने गया पर वो लड़की ही वहाँ से चली गई और मैं उन गुंडों के लपेटे में आ गया। क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, कहना क्या चाहते हो? प्रदीप की बात सुनकर विशाल उसको सारी बात बता देता है, और उसकी बात सुनकर प्रदीप ठहाके मार मार कर हंसने लगता है और हंसते हुए अपने दोस्त से कहता है, मुझे हंसी आ रही है भाई, तू हीरो बनने के चक्कर में गुंडों के पास गया और हीरो बन गया, इसके बाद भी तेरे हाथ कुछ नहीं लगा। बेचारा मेरा दोस्त, तेरे साथ क्या हो गया? एक तो उसकी जान तूने बचाई, ऊपर से पिटाई भी खाई, फिर भी भाग गई लुकाई। हाय राम, दुहाई दुहाई दुहाई। अरे तू यूं ही हंसता रहेगा या मुझे डॉक्टर के पास भी ले जाएगा, मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे। साले समय देख रहा है तू है, सुबह चलियो मेरे साथ, आजा अंदर। और वैसे एक बात पूछूं, तुझे हीरो बनने का ज्यादा ही शौक चल रहा है क्या, जो अकेले उन गुंडों के सामने पहुंच गया? अबे फूफा जी थोड़ी थे तेरे, चुम्मा लेके छोड़ दे। अरे भाई, वो लड़की सच में बहुत खूबसूरत थी, ना जाने उसमें क्या था, मैं तो उस पर फिदा ही हो गया, उसने तो मुझ पर जादू ही कर दिया। लो जी, हो गया इश्क में घायल, अबे बस भी कर अब। प्रदीप अब विशाल के हाथ पैर में गर्म पट्टी लगा देता है। कुछ ही देर में सुबह हो जाती है, जिसके बाद प्रदीप
अपने दोस्त विशाल को उसी हॉस्पिटल में ले जाता है जहाँ कोमल काम करती थी। डॉक्टर डॉक्टर, अरे ओ डॉक्टर, अरे कहाँ चले गए, सो गए क्या? अरे मेरे दोस्त को एडमिट कर लो प्लीज, अरे कोई है? प्रदीप का शोर सुनकर कोमल बाहर आती है और उससे कहती है, क्या हुआ, आप इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या आपको पता नहीं है ये हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में इस तरह चिल्लाना वर्जित होता है? माफ करना मैडम जी, मुझसे अपने दोस्त की हालत देखी नहीं जा रही। मेरे दोस्त के साथ रात में ऐसा कांड हुआ है, मैं किसी को बता तक नहीं सकता। फिर भी मैं आपको बताऊंगा, एक डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वो एक कमीनी लड़की के चक्कर में आके हीरो बनने निकला और लड़की ने ना तो उसे थैंक यू बोला और ना ही कुछ और बोला, और मेरा भाई का हाल बेहाल हो गया। रात का दर्द है मैडम जी, क्या पता मेरा दोस्त अपाहिज हो जाए, फिर मैं कैसे जीऊंगा? मेरे लिए काम कौन करेगा? मेरे लिए किचन में खड़े होकर खाना कौन बनाएगा? घर में पोछा कौन लगाएगा? अरे अरे मैडम जी, देख लीजिए ना, देख लीजिए ना। अच्छा अच्छा ठीक है, कहाँ है आपका दोस्त? वहाँ देखो मैम, वहाँ देखो, वहीं व्हीलचेयर पे बैठा दिखेगा मेरा दोस्त बेचारा। अब जैसे ही कोमल विशाल को देखती है, वैसे ही वो उसको देखकर हैरान हो जाती है और हैरानी के साथ खुद से कहती है, हे भगवान, इसका ये हाल हो गया, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इसको इतनी ज्यादा चोट लगेगी। अब जब मेरी वजह से इस बेचारे की ऐसी हालत हुई है तो मुझे ही इसका इलाज करना होगा। इतना बोलकर कोमल विशाल के पास जाती है और उसका इलाज करने लगती है। कोमल उसके पैर में पट्टी कर रही थी कि तभी विशाल दर्द में उससे बोलता है, तो बड़ी ही सेल्फिश हो, मैंने रात को तुम्हें बचाया और तुम मुझे ही अकेला छोड़कर चली गई। मैंने नहीं कहा था तुम्हें कि तुम मेरी मदद करो, और वैसे भी तुमने मेरी रात को मदद की थी, अब मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, हिसाब बराबर। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर प्रदीप आ जाता है, जिसके बाद कोमल चुप हो जाती है और उसकी पट्टी कर वहाँ से चली जाती है। कोमल के जाते ही विशाल अपने दोस्त प्रदीप से कहता है, यार प्रदीप, यही थी वो? अच्छा, तो यही थी जिसके इश्क में तू घायल होके बैठा है? हाँ भाई, मुझे यही चाहिए, इसके लिए एक नहीं मैं 100 बार भी घायल हो सकता हूँ। तुझे पता भी है इसका ईगो, ओए होए लाजवाब है। अब क्या था, विशाल का एक तरफा प्यार कोमल के लिए बढ़ता ही जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कोमल भी उसकी इस हरकत को देखकर उसको पसंद करने लगती है। पर क्योंकि उसको लड़कों पर भरोसा नहीं था, बस इसीलिए वो अपनी फीलिंग को कभी एक्सेप्ट नहीं करती। समय गुजरता है, समय के साथ विशाल ठीक हो जाता है, विशाल उसे प्यार करता था, बस इसीलिए वो आए दिन खुद को नुकसान पहुंचाता रहता और हर बार वो कोमल के पास पट्टी करवाने के लिए आ जाता। ऐसे ही एक दिन प्रदीप एप्पल खा रहा था, तभी विशाल उसके हाथों से चाकू लेता है और प्रदीप का हाथ काट देता है। ये देखकर प्रदीप अपना हाथ पकड़कर उसे कहता है, अरे मर क्या रे मेरी माँ, अबे भाई पागल हो गया क्या, इश्क में घायल तू है यार, मेरी तो शादी होने वाली है, मुझे क्यों घायल कर रहा है भाई, आए आए मर गया रे। भाई देख, मैं कई बार हॉस्पिटल गया हूँ, अब तुझे जाना चाहिए, चल मेरे साथ। विशाल अपने दोस्त को कोमल के पास लेकर जाता है और उससे बोलता है, मैडम देखो मेरा दोस्त इश्क में इतना पागल हो गया है कि उसने खुद को ही घायल कर दिया। हाँ हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ, तुम बाहर जाओ। विशाल जैसे ही बाहर जाता है, वैसे ही प्रदीप अपने घुटनों पर बैठकर अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए कोमल से कहता है, अरे कोमल, मैं किसी के प्यार में खुद को घायल नहीं करता हूँ, बल्कि अगले महीने मेरी शादी हो जाएगी। अगर इश्क में कोई घायल हुआ है तो वो है विशाल, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारे प्यार में वो एक बार घायल हो चुका है, अब बार बार जानबूझकर होता है, अगर वो खुद नहीं हो पाता तो वो मुझे कर देता है। अरे प्लीज मेरी माँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, उसको अपना लो, अगर तुमने उसे अपनाया नहीं तो कोई मुझे अपना इस लायक मैं बचूंगा ही नहीं बिल्कुल भी, प्लीज 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 उसे अपना लो, वरना मैं तो सस्ते में निपट जाऊंगा। अरे मेरी साथ पूछते तो मैं दुआएं देंगी, अरे 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 अपना लो उसे। प्रदीप, विशाल को मैं भी पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे लड़कों पर विश्वास नहीं है, बस इसलिए मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही। कोमल और प्रदीप आपस में बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर कोमल की माँ उसकी बातें सुन लेती है और अपनी बेटी से कहती है, बेटा जरूरी नहीं है कि जो मेरे अतीत में हुआ वही तेरे भविष्य में भी हो, और हर लड़का एक जैसा नहीं होता, सोच वो तेरे इश्क में खुद को घायल करता रहता है, उसके जैसा लड़का तुझे फिर कभी नहीं मिलेगा, कोमल उसको अपना ले, मैंने तेरी आंखों में उसके लिए प्यार देखा है, वो बाहर ही खड़ा है, जा उसको अपना ले। कोमल अपनी माँ की बात से सहमत होती है, जिसके बाद वो विशाल के पास जाती है
और उसके प्यार को अपना लेती है। योगेश और नैना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थी और एक साथ कॉलेज में पढ़ती थी। योगेश और नैना के घर वालों की बहुत ही नजदीकी रिलेशन थे, जिसके चलते उनके घर वालों को भी योगेश और नैना के रिश्ते से कोई परेशानी नहीं थी और उन लोगों ने उनकी शादी की डेट भी फिक्स कर दी थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तभी एक रोज नैना अपने कमरे में अकेली बैठी किताबें पढ़ रही होती है, तभी उसकी सहेली श्रुति वहाँ आती है और कहती है, क्या हुआ है तुझे? तू क्यों ऐसे मुंह लटका के बैठी हुई है अपनी इस भूतिया हवेली में? मैडम, ये भूतिया हवेली नहीं, मेरा घर है, समझी? और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मेरा मुंह लटका हुआ है। हाँ जानती हूँ, लेकिन अभी तो तू यहाँ अकेली रहती है ना, इसलिए तुझे थोड़ा छेड़ रही थी। क्या करूँ यार, तुझे तो पता ही है ना कि नानी जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए माँ को उनके साथ ही रहना पड़ता है और मुझे अपनी पढ़ाई के चलते यहाँ अकेले ही रहना पड़ता है। वैसे तू अकेली कहाँ है, हम सब है ना तेरे साथ, और तेरा वो केयरिंग बॉयफ्रेंड भी तो है। बुरा मत मानियो, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है तेरा बॉयफ्रेंड साइको है। जैसे लोगों के अंदर स्प्रिट पर्सनैलिटी होती है ना, मुझे तेरे बॉयफ्रेंड के अंदर लगती है। क्या बकवास कर रही है तू, जो मन में आता है बोलती जाती है। सच में यार मजाक नहीं कर रही हूँ, तूने नोटिस नहीं किया कभी? वो तेरे लिए कुछ ज्यादा ही पॉजेसिव है, उसकी हरकतें नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है। कभी नोटिस करियो, जैसे ही उसके पसंद का कोई काम नहीं होता है ना, वैसे ही बिना गुस्सा करने वाली बात पर भी उसे गुस्सा आ जाता है। वैसे बात तो ये सही कह रही है, ये चीज तो मैंने भी महसूस की है। क्या हुआ, तू किस सोच में पड़ गई? मेरी कही बात सोच रही है ना तू भी? मेरे पास इतना टाइम नहीं है तेरी बिना सिर पैर वाली बातों पर ध्यान दूं, समझी? तू जा यहाँ से, मुझे पढ़ने दे, फाइनल ईयर के एग्जाम सर पर है, और खुद भी जाके पढ़ ले। नैना और श्रुति आपस में बात ही कर रही होती हैं कि तभी उसका बॉयफ्रेंड योगेश वहाँ सारे डॉक्टर्स को लेकर आता है, जिन्हें देखकर नैना कहती है, योगेश ये सब क्या है, इतने सारे डॉक्टर, तुम पागल हो क्या? इतने सारे डॉक्टर की क्या जरूरत है, मैं ठीक हूँ, मुझे सिर्फ हल्का सा फीवर था बस, और मैंने दवा ले ली है। नहीं बेबी, तुम्हें पता नहीं है, छोटी बीमारी आगे चलकर बहुत बड़ी बन जाती है, इसलिए दवा तो तुम्हें लेनी पड़ेगी। तुम पागल हो क्या, मैंने जब पहले से ही ले ली है तो मैं क्यों दोबारा दवा लूं? दवा तो तुम्हें खानी ही पड़ेगी और चेकअप भी करवाना पड़ेगा। देखिए वो सही कह रही है, अगर उन्होंने दवा ले ली है तो उसके ऊपर से मैं उसको दूसरी दवा नहीं दे सकता हूँ। ए डॉक्टर, बीमारों का इलाज करना तुम्हारा काम है, तो तुम अपना काम करो और तुम चुपचाप से चेकअप करवाओ। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, कोई जबरदस्ती है क्या? अजीब इंसान हो यार तुम। नैना इतना कहकर बेड से उठकर जाने लगती है, तभी योगेश गुस्से में उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़कर उसे जोर से बेड पर धक्का मार देता है और उसका सर जाके बेड के कोने पर टकरा जाता है, जिससे उसके सर से बहुत खून निकलने लगता है, जिसे देखकर उसकी दोस्त श्रुति कहती है, योगेश तुम सच में पागल हो गया, ये कौन सी जबरदस्ती है तुम्हारी, और कैसा प्यार है कि जिससे प्यार करते हो उसे ही तकलीफ देते हैं। सॉरी बेबी, तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी ना, तुम ठीक तो हो ना? तुम अभी इसी वक्त अपनी ये डॉक्टर की बारात लेकर यहाँ से चले जाओ, बस अभी के अभी। नैना को गुस्से में देखकर वो सभी डॉक्टर्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसका ऐसे दो तरह का रूप देखकर नैना को बड़ी हैरानी होती है, उसके मन में बहुत से सवाल उठते हैं। ऐसे ही समय बीतता है, तभी एक रोज नैना कॉफी शॉप में बैठी योगेश के आने का वेट कर रही होती है, तभी योगेश का दोस्त समीर वहाँ आता है और नैना के पास जाकर कहता है, अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो मैं थोड़ा टाइम तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ? इसमें पूछने वाली क्या बात है, बैठो ना। योगेश का वेट कर रही हो क्या? हाँ उसी का वेट कर रही थी, वो शादी की डेट पास आ रही है ना, तो सोचा थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लूं। नैना एक बात सच बताना, क्या तुम सच में योगेश से शादी करना चाहती हो, क्योंकि तुम उससे प्यार करती हो, या सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे घर वाले उसके घर वालों के ज्यादा क्लोज हैं? क्योंकि शादी की कोई खुशी तुम्हारी आंखों में तो नहीं दिखाई दे रही है। यार पता नहीं मैं सही कर रही हूँ या गलत, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जिस इंसान से मैं प्यार करती हूँ उसी से मेरी शादी हो रही है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ पता नहीं। उस दिन योगेश ने जो भी तुम्हारे घर आकर किया मुझे सब कुछ श्रुति ने बताया। देखो मैं बस इतना कहूँगा कि तुम जो भी फैसला करो सोच समझ के करना। सॉरी यार, सब जानते हुए भी मैं मजबूर हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें योगेश का सच नहीं बता सकता।
तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? नैना और समीर की सारी बातें, उनसे पीछे टेबल पर बैठा योगेश सब सुन रहा होता है। जिसे सुनने के बाद वो उनके पास जाता है और समीर का कॉलर पकड़कर उसे बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है, जिस पर नैना डर जाती है और कहती है, योगेश छोड़ो, तुम समीर को क्यों मार रहे हो? उसे उसने आखिर किया क्या है? छोड़ो उसे। किया क्या है ये तुम पूछ रही हो? दोनों मिलकर मुझे रास्ते से हटाने की सोच रहे हो ताकि तुम दोनों सेटिंग कर सको, लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। भाई जैसा तू समझ रहा है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस नैना से ऐसे नॉर्मल ही बात कर रहा था। मैंने सुन लिया तुम दोनों की सारी बातें तुम्हारे पीछे बैठकर। और साले तू, तुझे क्या फर्क पड़ता है कि नैना मुझसे शादी करना भी चाहती है या नहीं? वो मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती है। शादी करना तो बहुत दूर की बात हो गई, और तुम अगर जल्दी आ गई थी तो मुझे कॉल करके बता नहीं सकती थी? लेकिन नहीं, तुम्हें तो कोई और मिल गया था बात करने के लिए, तुम मुझे क्यों याद कर लोगी? तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा कुछ कहने की? खुद लेट आए हो और ऊपर से मुझे ही सुना रहे हो, मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हो। आई हेट यू, लोग सही कहते हैं तुम साइको हो एक नंबर के। नैना इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो न योगेश का कॉल अटेंड करती है और न ही उसके मैसेज का आंसर करती है। ऐसे ही समय और बीतता जाता है और जैसे तैसे योगेश नैना को मना लेता है। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है, तभी एक रोज नैना हॉल में अपनी शादी के गहने देख रही होती है। तभी उसकी माँ शीला वहाँ आती है, जिसे देखकर नैना कहती है, माँ आप आ गई, आपको पता है मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, और आप भी मेहमानों की तरह शादी के दो दिन पहले आई हैं। क्या करूँ बेटी, तू अपनी नानी की हालत तो जानती है ना, इस टाइम उन्हें एक पल के लिए भी छोड़ना ठीक नहीं है, और मुझे पता था मेरी बेटी सब संभाल लेगी। और ये तेरे सिर पर चोट कैसी है? तू इस शादी से खुश तो है ना? क्या बताऊँ माँ को, अगर योगेश की हरकतों के बारे में बताया तो माँ परेशान हो जाएंगी। हाँ माँ मैं खुश हूँ, आप भी थोड़ा आराम कर लो, अभी बहुत काम है। कुछ समय बाद शीला अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है और योगेश और नैना की शादी का दिन आ जाता है। नैना तैयार होकर अपने कमरे में बैठी मंडप में जाने का इंतजार कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ शीला दूल्हे को नेक में देने वाली सोने की चैन को लेकर योगेश के कमरे में जाती है, जहाँ वह योगेश को अपने दोस्त समीर पर गुस्से में बोलते हुए सुन लेती है। तुझे पता है ना मेरी बीमारी के बारे में, मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है, मुझे दौरे पड़ते हैं, फिर भी तूने मेरी दवाई नहीं मंगवाई? मुझे दवा चाहिए अभी के अभी, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। अगर मैं ऐसे शादी में गया ना तो मेरा सच सबके सामने आ जाएगा। योगेश की सच्चाई जानकर शीला के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत नैना के कमरे में जाती है और उसे योगेश की सारी सच्चाई बता देती है, जिसे सुनने के बाद उसे सब समझ में आ जाता है और वो अपनी माँ की मदद से शादी से भाग जाती है। कुछ समय बाद योगेश मंडप में पहुंचता है और शादी की सारी रस्में करने के बाद पंडित दुल्हन को बुलाने को कहता है, जिस पर उसकी माँ शीला बोल पड़ती है, पंडित जी लड़की नहीं है, लड़की तो भाग गई अपनी शादी छोड़कर। आंटी जी ये क्या कह रही हैं, हमारी तो शादी होने वाली है। जब लड़की ही नहीं है तो शादी कैसी? हे भगवान, मेरी गर्लफ्रेंड अपनी शादी से भाग गई। योगेश इतना कहकर मंडप में ही अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और उसके लिए ये राज ही बनकर रह जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अपनी शादी से ही भागी क्यों। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।